केंद्र सरकार की कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे होगी। ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने मंगलवार रात ट्वीट कर लिखा, किंग चार्ल्स तृतीय से पर्यावरण संरक्षण, कॉमनवेल्थ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आज एक बार फिर दिल्ली में बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की मौजूदगी में दिल्ली में ये बैठक होगी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव के पैतृक घर के आसपास उपद्रवियों ने आगजनी करते हुए कार के शीशे भी तोड़ डाले। वारदात का आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर लगा। आज विप्लव देव के पिता की पुण्यतिथि है। इस मौके पर विप्लव देव अपने पुश्तैनी घर पर हवन करने वाले थे। दिल्ली का कंछावला कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लड़की के साथ नहीं हुआ सेक्सुअल असॉल्ट, दूर तक घसीटे जाने की वजह से हुई मौत। युवती की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं होने की बात सामने आई है। लड़की का बिस्तर सुरक्षित रखा गया। कंछावला में कार से घसीटे जाने के कारण मौत का शिकार हुई युवती का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार में रही भारी सुरक्षा। पीड़िता के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से शमशान घाट लाया गया। शमशान घाट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीड़िता के लिए उठी न्याय की मांग। कंछावला कांड को लेकर दिल्ली सरकार का ऐलान, मृतका के परिवार को 10 लाख का मुआवजा, बीमार मां के इलाज का खर्चा भी उठाएगी सरकार। कंछावला दरिंदगी केस में नया खुलासा, होटल मैनेजर का दावा, होटल में लड़की के साथ 5 से 7 लोग थे। हादसे के वक्त लड़की स्कूटी चला रही थी, दोस्त पीछे बैठे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टक्कर के बाद मृतक लड़की के पैर कार के एक्सल में फंस गए। कार चला रहे लोगों ने कार नहीं रोकी और लड़की को लगातार 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज विधानसभा का पहला सत्र है। हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुल 3 बैठकें प्रस्तावित है। आज हिमाचल विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाधान यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश इस यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से करने वाले हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम हैं। पहला योजना से संबंधित क्षेत्र का दौरा, दूसरा चिन्हित समूह के साथ बैठक और तीसरा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को फ्री में प्लॉट देने जा रही है। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ की कीमत वाले प्लॉट बांटे जाएंगे और जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा। महाराष्ट्र में आने वाले 3 दिन तक बिजली संकट गहरा सकता है। रात 12 बजे से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 1,75,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विपक्ष के नेता पर हुए हमले को लेकर सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन किया, पुलिस के साथ हल्की झड़प भी की। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा शराबकांड की जांच अब सीआईडी की ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम करेगी। सरकार के निर्देश पर जांच सीआईडी को सौंपी गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चीन नीति पर फिर किया हमला, कहा गलत नजरिए की वजह से चीन और पाकिस्तान हुए।
सीएम योगी का मुंबई दौरा, आज उद्योगपतियों के साथ बैठक कर प्रदेश में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रण। गंगा सागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री आज जाएंगी गंगा सागर मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पाली में स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी में शिरकत करेंगी और जयपुर स्थित राजभवन में बने संविधान पार्क का राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। केरल में साजी चेरियन फिर बनेंगे कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल ने चेरियन को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने की मुख्यमंत्री विजयन की सिफारिश मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत पर पथराव का मामला सामने आया, कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत पर पथराव किया। पथराव में वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे टूटकर और एक यात्री भी घायल हो गया। भारत की सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को आज से चार दिन पहले ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना की एनआईए जांच की मांग की। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, बंगाल को ममता बनर्जी लगातार डिजास्टर बना रही है, अब वो वंदे भारत को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। तवांग में झड़प के बाद पहली बार तवांग के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास एक पुल का उद्घाटन किया। सियांग इलाके में ये पुल रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अरुणाचल के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 724.3 करोड़ रुपए की लागत से 28 परियोजनाएं पूरी की गई। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बताया जा रहा है कि घुसपैठिए पाकिस्तान की ओर से फैंस पार कर रहा था। घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने चेतावनी दी, रुकने को कहा, बावजूद उसके संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश करता रहा। गुरदासपुर में पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी, पहले भी पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था ड्रोन। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार से कार चला रहे युवकों ने तीन छात्राओं को टक्कर मारी, एक की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। बीटेक फाइनल ईयर की एक छात्रा हादसे के बाद कोमा में चली गई, छात्रा के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में लूट के दो आरोपियों को ढेर कर दिया गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जम्मू कश्मीर में सेना ने साल 2022 में आतंक पर करारा प्रहार किया, सेना ने 42 पाकिस्तानी आतंकी सहित 172 दहशतगर्दों का सफाया किया। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सीएम के आवास के नजदीक बम सेल मिला, नया गांव में आम के बगीचे से बम सेल मिलने पर हड़कंप मचा। बम स्क्वाड दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम सेल को कब्जे में लिया, जहां बम सेल मिला वहां पंजाब हरियाणा सीएम के आवास, हेलीपैड सहित कई अहम प्रतिष्ठान हैं।